तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखो तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो अपने पास दो लेंस है। एक लेंस का नाम है अपने पास कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, और एक दूसरा लेंस है कनकेव लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ। और इसके बगल में दूसरा एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, ठीक ना, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये दोनों पास पास रखे हुए हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है वो अपने को 50 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। तो कनेक्टेड टुगेदर व्हाट इज रिजल्टिंग फोकल लेंथ। देखो अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना है तो इनकी जो है, नहीं फोकल लेंथ नहीं, रिजल्टिंग पावर निकालना, ठीक है। तो पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है पावर ऑफ पी वन प्लस पावर ऑफ पी टू। आई होप ये फार्मूला पढ़ा होगा। पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ एफ वन प्लस 1/फोकल लेंथ एफ टू। तो अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में 1/, यहाँ से जो ये वाली लेंस होती है कन्वेक्स लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये वाली जो लेंस होती है कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये 1/+80, और यहाँ से प्लस था तो यहाँ से -1/100, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मैं मीटर में कन्वर्ट किया -50, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखोगे तुम, यहाँ से आ जाएगा 8/10/8 माइनस यहाँ से 10/5। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 - 80 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 5, तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिलने वाला है पावर इज इक्वल टू -30/8 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज यहाँ से 6, ठीक ना। तो 6 - 6/8, दैट इज यहाँ से -3/4। तो -3/4 मतलब -0. यहाँ से देखो 30, तो यहाँ से तुम देखोगे 7 और 2 7.5, ठीक है, 7.5 डायोप्टर माइनस, मतलब जो फाइनल लेंस है कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ से पावर है वो निगेटिव आ रहा है। तो इस हिसाब से अपना जो है माइनस बी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।